Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important questions from control and coordination. हम लोग human nervous system के important questions इस session में पढ़ने वाले हैं. पहले जो question bank जो board से 2020 में release किया गया था, पहले वो question bank के important questions learn कर लेते हैं. फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं exercise के भी questions करें क्या, तो yes हम exercise के questions पे भी focus करेंगे. लेकिन अगर बोर्ड ने अगर आपको मार्क्स का वेटेज के हिसाब से अगर क्वेश्चन बैंक दिया है, तो ये हमारा पहला ड्यूटी है कि हम पहले उस बोर्ड का क्वेश्चन बैंक को गो थ्रू करें. ओके, इस साल का क्वेश्चन बैंक रिलीज होने से पहले वी कैन प्रिपेयर द लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक. सिलेबस तो एक ही है, तो उससे कोई चेंज नहीं होने वाला है. इनफैक्ट हम हमारा प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छे से स्मार्टली कर सकते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन बैंक को लर्न करेंगे. Here in this session we'll be talking about the 10 MCQs. जो 10 MCQs board ने दिए हुए हैं, board को लग रहा है कि important MCQs हैं from this chapter. So we'll be doing these questions in this session. And उसके साथ साथ मतलब आपको भी कहाँ से question पूछे जा सकते हैं, या board खुद ही बोल रहा है कि यहाँ से questions आने वाले हैं, तो हम लोगों को वो जो concept है वो थोड़ा सा thoroughly understand करना जरूरी है. Now we'll start our session with the discussion of these MCQs. The first question is related to the Hydra. Guys, Hydra ये बहुत simple सा organism है, जिसमें हम लोग इसको 10th standard तक भी हमने इसको पढ़ा हुआ है. The diffuse type of nervous system is seen in, diffuse type of nervous system जो है, these are the very primitive type of nervous system. हमें ये समझना है कि ये पहला जो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, ये हायर क्लासेस ऑफ एनिमल्स में नहीं दिखाई देगी. ये डिफ्यूजन से हो रहा है, मतलब दैट शुड बी द प्रिमिटिव वन गाइस. सो इसका जवाब है हाइड्रा. ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब है हाइड्रा. मैं यहाँ एमसीक्यूज है, मतलब इसके ऑप्शंस नहीं यहाँ दे रही हूँ, बिकॉज ऑप्शंस नहीं, हम लोगों को टेक्निक समझना है कि एग्जैक्टली चैप्टर से कहाँ क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोगों को कहाँ क्या क्या चीजें हम जो पढ़ेंगे तो फोकस करना जरूरी है, वो यहाँ से हम वो एक्चुअली वो नॉलेज वो स्ट्रेटेजी हम बिल्ड कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्लेनेरिया. प्लेनेरिया शोज डैश डैश टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. तो प्लेनेरिया कौन से टाइप का नर्वस सिस्टम शो करता है? इट शोज अ लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. समझ में आ रहा है आपको? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि हम जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोगों को जो बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है उसको एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना है. राइट, ओके, नाउ वी डिस्कस द थर्ड वन. इन ऑर्डर फॉर अ स्टिम्यूलस टू बी इफेक्टिव, द स्टिम्यूलस मस्ट हैव अ मिनिमम इंटेंसिटी कॉल्ड डैश डैश स्टिम्यूलस. ये आपको ये दो कॉन्सेप्ट है, इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट ने दिया हुआ है दैट शुड बी द थ्रेशहोल्ड. इसका जवाब है थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस होना जरूरी है. ओके, सो यहां तक अगर आप देखोगे तो ये हर एक चीज बुक में बोल्ड लेटर से दी हुई है. द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज, न्यूरॉन जब रेस्टिंग सिचुएशन में रहता है तो उसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होना एक्सपेक्टेड है, इसे याद रखो, विच हैज टू बी -70 mV. 70 mV याद रखिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये नीट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपका दोनों टाइप से नीट हो या सीटी के लिए ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या पूछने के जाने के चांसेस है. The third ventricle of brain is connected to the fourth ventricle of the brain through. जब भी आप ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये जो ऐसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने वाले जो पॉइंट दिए है ना, उनको हम थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ेंगे. एक दो बार पढ़ के रखिए, अंडरस्टैंड करके रखिए, उस पर देखो क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में भी आता है तो हमारा मार्क लूज नहीं होना चाहिए. तो इसका जवाब है डक्ट्स ऑफ सेल्विस. ओके, तो ये हमने अब तक जो 5 क्वेश्चन पढ़े हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको रीडिंग करते हुए कहाँ फोकस करना है, कहाँ हमें अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, सो दैट इफ देयर वुड बी अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू तो हम उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू द डिसीज डीजनरेशन ऑफ डोपामाइन. डोपामाइन जब हमारे ब्रेन से डीजनरेट होता है, न्यूरॉन्स डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजेस.
जब डोपामाइन बनना बंद हो जाता है तो गाइस ऑलवेज रिमेम्बर वहां एक डिसीज होता है ब्रेन का विच इज अ पार्किंसंस डिसीज। तो इस एमसीक्यू का जवाब है पार्किंसंस डिसीज। ये है हमारे 6 एमसीक्यू हो गए, बोर्ड ने टोटल 10 एमसीक्यूज दिए हैं फॉर अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सो अगेन वी हैव टू डिस्कस 4 मोर एमसीक्यूज फ्रॉम दिस वन। सो नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज लाइक डाइजेस्ट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। So, आपको इसका जवाब याद रखना है अल्डोस्टेरॉन। ये अल्डोस्टेरॉन आपने 11th में भी पढ़ा होगा, जहां हमने एक्सक्रीशन पढ़ा है वहां। तो अल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम बाय द मैच्युरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इसका जवाब है थाइमोसिन। थाइमोसिन एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे बॉडी में, जो कि मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर रोल करता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मान लीजिए अगर चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा? बट ऑब्वियस वो इंसान नॉर्मल हाइट से ज्यादा बड़ा दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म बोलते हैं उसको, राइट? तो गाइगेंटिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। ओके, तो इसका सही जवाब था गाइगेंटिज्म। नाउ नेक्स्ट, डाइजेस्ट शोज द गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। नाउ रिमेंबर, गैस्ट्रिक जूस से ही पता चल रहा है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये स्टमक से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक से रिलेटेड हो गया, तो इसका जवाब आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसका जवाब है एंटेरोगैस्ट्रोन। ये भी बुक में दिया हुआ है। सो देखा जाए तो गाइस, जब आप इस चैप्टर को गो थ्रू करोगे तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ ओनली व्हाइल रीडिंग, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज का बैंक हमारे पास है एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को लर्न करोगे तो आपके 8 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाते हैं, और भी ज्यादा अच्छे से करोगे तो 11 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। सेशन हमने कराया है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ कराया है। Now in next session we'll discuss the 1 marks question from this chapter. अगर कुछ doubt होगा तो you can ask me, you can let me know in comment section, and see you in next session.